अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको मुल्तानी मिट्टी की बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। मुल्तानी मिट्टी आम नहीं जबकि खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। बस आपको इसका इस्तेमाल और फ़ायदे पता होने चाहिए जिनसे आपको मुतारफ़ करवाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। फर्स्ट है फेस वाइटनिंग, रंग गोरा करने में इस्तेमाल। आलू कद्दूकस किया हुआ, मुल्तानी मिट्टी, हरकी गुलाब, चनकतरे, इन सब को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। अब इन अमेजे को चेहरे पर लगा दे, अप्लाई करें और खुश्क होने पर चेहरा नीम गर्म पानी से धो ले, रंग निकल जाएगा। दोनों चीज़ों को हम वजन ले लें, जितना आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है उसी हिसाब से आपने आलू को भी लेना है और अर्के गुलाब चंद कतरे शामिल करने हैं। पेस्ट लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते रहे तो बेहतरीन नतायज मिल सकते हैं। बढ़ती उम्र वाली जिल्द का इलाज, अक्सर खवातीन बढ़ती उम्र की वजह से, जिल्द की वजह से बहुत परेशान नज़र आते हैं। ऐसी खवातीन परेशान ना हो और नुस्खे पर ध्यान दे। मुल्तानी मिट्टी को किसी खुले बर्तन या मिट्टी के बर्तन में दूध के साथ भिगो दें, पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें शहद एक आने का चम्मच और दही एक आने का चम्मच डालकर मिक्स कर लें और आंखें छोड़कर सारे चेहरे और गर्दन पर भी लगा लें। जब खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें, उसके बाद कोई स्किन टॉनिक या अच्छी क्रीम लगा ले। ये चेहरे की ढलकती जिल्द का जदीद और बेहतरीन इलाज है। इसके बाद किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ये ज़रूर नोट कर लीजिए, मुल्तानी मिट्टी को चेहरे के अलावा बालों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इसे कभी भी शैम्पू की जगह इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बालों में चिकनाई ज़्यादा नज़र आती है तो मुल्तानी मिट्टी लें और इसको अर्के गुलाब के साथ घोल लें और उसमें थोड़ा सा लीमू का रस मिला ले, 15 मिनट के लिए मिक्स करते जाएं और फिर बालों में लगा ले और मुसलसल कंघा करते रहिए। कंघे के दाने मोटे मोटे होने चाहिए, उसके बाद बालों को खुश्क होने दें। उसके बाद बाल नीम गर्म पानी से धो लें और धोते वक्त भी कंघा करते जाएं ताकि सारी मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। कोशिश करें कि मिट्टी आंखों में ना जाए। बालों को धोने के बाद बालों में कंडीशनर लगा लें और आप बालों की खूबसूरत खुद देख लेंगे। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।